दोस्तों, अगर आपके पास दो ऑप्शंस हो, आधे घंटे की वॉक या आधे घंटे टीवी देखना, तो आप क्या चूज करोगे? आप भी मेरे तरह सोच सकते हो कि क्या फर्क पड़ता है आधे घंटे की वॉक से या आधे घंटे टीवी देखने से। एक बार आधे घंटे की वॉक पर जाने से आप अगले दिन फिट तो नहीं हो जाओगे, और एक बार आधे घंटे टीवी देख लेने से आपकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। बेसिकली हम सब ऐसा ही सोचते हैं। एक तरफ हम सोचते हैं कि छोटे डिसीजंस कोई मायने नहीं रखते और सक्सेस सिर्फ बड़े बड़े काम और बड़े बड़े डिसीजंस लेने से ही मिलती है। दूसरी तरफ असल में हमारे छोटे छोटे डिसीजंस ही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, और यही डिसीजंस हमें बड़ी सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। सिंपल प्रोडक्टिव एक्शंस जब हम लंबे समय तक रिपीट करते हैं तो वो कंपाउंड होते जाते हैं और एक बड़ा रिजल्ट देते हैं। इसे ही स्लाइट एज कहते हैं। एक साल तक अगर आप डेली आधे घंटे टीवी देखने की जगह वॉक पर जाना चूज करते हो, तो आपको एक साल बाद ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। यह हमें पता है कि हम ना तो सडनली ओवरवेट होते हैं और ना ही सडनली फिट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लंबी छलांग का इंतज़ार करते रहते हैं। वो वेट करते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो कम्प्लीटली एक अलग इंसान बन जाएंगे, लेकिन आप तब तक बदल नहीं सकते जब तक आप वो छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लोगे। छोटे छोटे स्टेप्स लेना इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेते नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स छोड़ना भी बहुत आसान है। और यही प्रॉब्लम है, जो चीज़ें लॉन्ग रन में हमें सक्सेसफुल बनाती हैं, हमें उनका शॉर्ट रन में कोई असर नहीं दिखता, इसीलिए हम उन्हें छोड़ देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आपको डेली एक बुक के 10 पेजेस पढ़ना है। ये करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, लेकिन ये ना करना भी आसान है, इसे इग्नोर करना भी आसान है। क्योंकि अगर आज आप 10 पेजेस पढ़ते हो, तो कल आप सडनली एक सुपर इंटेलिजेंट इंसान तो बन नहीं जाओगे, लेकिन अगर आप एक साल तक 10 पेजेस रोज पढ़ते हो, तो ये हो जाते हैं करीब 15 बुक्स के बराबर। अब सोचो, 15 अच्छी बुक्स पढ़ने के बाद क्या एक साल बाद आप पहले जैसे ही रहोगे या बदल जाओगे? अगर आप 3 साल तक डेली 10 पेजेस पढ़ते हो, जबकि आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो भी यही मानते हैं कि 10 पेजेस से क्या होगा, और 3 साल बाद आप करीब 45 बुक्स पढ़ चुके होंगे, 45 अच्छी बुक्स आपको अपने आसपास के सभी लोगों से काफ़ी आगे ले जा सकती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, या फाइनेंस से रिलेटेड हो। तो ये मानना छोड़ दो कि छोटी छोटी चीज़ों से कुछ नहीं होता। आज से एक साल बाद आप जैसे भी इंसान बनोगे, अपने छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से ही बनोगे, और आज आप जैसे भी हो वो अपने पास्ट में लिए गए डिसीजंस की वजह से ही हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट जाओ, तो आलू की चिप्स की जगह केले खरीदना ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा। कंप्यूटर के सामने बैठे रहने की जगह एक्सरसाइज करना ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा। यूट्यूब पर फनी वीडियोज़ देखने की जगह एक अच्छी बुक के 10 पेजेस पढ़ना ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा। एंड ऑफकोर्स, मैं आपको रोबोट बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ जो हर चीज़ सही करता हो। मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट अवेयर रहो अपने डिसीजन से, कि जो आज आप डिसीजन ले रहे हो उसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा। आज जो आप डिसीजन ले रहे हो, क्या वो आपको आपके गोल्स की तरफ ले जा रहे हैं या नहीं, ताकि एक साल, दो साल या तीन साल बाद जब आप खुद को मिरर में देखो, तो अपने बढ़े हुए वेट का जिम्मेदार खुद को मानो, अपनी पुअर फाइनेंशियल कंडीशन का जिम्मेदार खुद को मानो, अपनी बिगड़ी हुई रिलेशनशिप्स का जिम्मेदार खुद को मानो। ये याद रखिए कि स्लाइट एज दोनों तरह से काम करती है। अगर आप इसे प्रोडक्टिवली यूज़ करोगे, तो ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। अगर आप इसे लापरवाही से यूज़ करोगे, तो यह आपको फेलियर की तरफ ले जाएगी। चॉइस आपकी है।